इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के वित्त मंत्री की बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य के जीएसटी मद में दिसंबर से मई के बकाए 1,776 करोड़ के भुगतान की मांग, धान क्रय के भुगतान में हो रहे विलम्ब पर मंत्री ने जल्द धान बेचने वालों को राशि मिलने की बात कही। वहीं चुनाव आयोग द्वारा बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को निर्दलीय विधायक बताने के मसले पर कहा कि कांग्रेस कानूनी प्रक्रिया में जुटी है, कानून के जानकारों से पार्टी राय ले रही है, निर्णय स्पीकर को लेना है। कि अभी हमको दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का लगभग 1,776 करोड़ कंपनसेशन बनता है, उसको भी आप दे दें जल्दी, क्योंकि हम छोटे राज्य हैं, झारखंड एक छोटा राज्य है, गरीब राज्य है और कोरोना के संकट में वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। इसलिए जल्द से जल्द उस कंपनसेशन अमाउंट को रिलीज किया जाए, चल रहा है लेकिन लंबित नहीं है भुगतान। असल 2-2.5 महीने तक जो MD होते हैं, जो भुगतान करते हैं, वो पद खाली रहा, इसके बाद दूसरे पदाधिकारी को लगा दिया गया, प्रतिनियुक्ति भेज दिया गया है और भुगतान कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। दूसरा कारण ये रहा कि लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त हो गया, जैसे हमारा था 3 लाख मीट्रिक टन का, वो बढ़ करके आगे चला गया है ना, करीब करीब 4 लाख मीट्रिक टन हो गया, तो उसमें थोड़ा सा देरी हो रही है कि ज़्यादा लोगों को देना पड़ रहा है, ज़्यादा राशि देना पड़ रहा है। प्रीति कुछ लोगों से इसमें कानूनी स्थिति क्या है अभी मैं नहीं कर सकता, हम लोग लगे हुए हैं, मशविरा ले रहे हैं अच्छे एडवोकेट से, लेकिन जहाँ तक एक राय बन रही है कि इलेक्शन तक, रिजल्ट डिक्लेयर करने तक, सर्टिफिकेट देने तक कमीशन की शक्ति होती है, लेकिन एक बार जो विधायक हो गया तो वो प्रॉपर्टी बन जाते हैं विधानसभा के और फिर उसके कर्ता धर्ता हो जाते हैं स्पीकर साहब। तो ये मामला तो स्पीकर साहब का है फैसला लेने का कि कौन किस पार्टी का है। कि अभी हमको